वेल, जानवी कपूर ने रविवार को अपने फैंस को एक अच्छी और सरप्राइजिंग न्यूज शेयर की। दरअसल देवरा एक्ट्रेस ने अपने कुछ पेंटिंग्स के साथ पोज दी, लेकिन इन पेंटिंग्स को देखने के बाद आखिर लोगों ने क्यों जानवी को ट्रोल करना शुरू कर दिया, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। जानवी कपूर ने कैनवास पर देवी लक्ष्मी की एक छवि और एक सुंदर दृश्य चित्रित किया। तस्वीरें शेयर करते हुए जानवी ने कैप्शन में लिखा, जब पापा आपको अपनी पेंटिंग्स के साथ एक छात्र की तरह पोज देने को बोलते हैं ताकि वे इसे अपने दोस्तों के ग्रुप में भेज सकें और आपकी बहुत ही बुनियादी कला कौशल को बढ़ावा देने की कोशिश कर सकें। वहीं कमेंट सेक्शन में ढेर सारा जानवी को एक तरफ लोग प्यार बरसा रहे हैं तो वहीं कई सारे लोग जानवी को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर इस तस्वीर की बात कर ली जाए तो इसमें जानवी घर के कपड़ों में नजर आ रही हैं और उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई पेंटिंग को अपने सामने रखा हुआ है जो देखने में काफी सुंदर नजर आ रही है। लेकिन आखिर लोगों ने उन्हें क्यों ट्रोल किया, चलिए अब आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यूजर्स कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, आई डोंट अंडरस्टैंड, इससे भी अच्छा टैलेंटेड पीपल की चीजें कभी मीडिया नहीं दिखाएंगी, पर ये एक्टर लोग जग भी देंगे तो आर्ट लगेगा। वहीं प्रज्ञा मिस्त्री नाम के यूजर ने लिखा, जस्ट बिकॉज शी इज अ स्टार किड देयर आर मच बेटर आर्टिस्ट बट दे वॉन्ट गेट अप्रिसिएशन कॉज दे आर नॉट फेमस। वहीं एक ने लिखा, इससे अच्छी पेंटिंग करते हैं लोग वो तो नहीं दिखाते। वहीं एक कागे नाम के यूजर का कहना था, जो लोग इनसे अच्छे ड्राइंग करते हैं उनका तो कोई पता नहीं, मगर ये तो एक्ट्रेस है ना। वहीं रोमी जैन नाम के यूजर ने जानवी कपूर की पेंटिंग को एलकेजी वाले स्टूडेंट से जोड़कर लिखा, एलकेजी वाला मेरा पेंटिंग किसने चुरा लिया। बहरहाल अब कमेंट्स की बात कर ली जाए तो ज्यादातर लोग जानवी को एज अ स्टार किड होने पर इतना ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जानवी कपूर ने तस्वीर बहुत ही खूबसूरत बनाई है। अब इस तस्वीर को देखने के बाद आपका क्या कुछ कहना है, आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।